नमस्कार, जीसीपी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। एनएमओपीएस का बड़ा ऐलान, 29 सितंबर 2019 को खचाखच भरा होगा मोराबादी मैदान। रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है निर्णय। करीब 1.5 लाख एनपीएस कर्मी कूच करेंगे रांची। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सबसे पहले परिचय सत्र से शुरू हुआ। सबको नमस्कार, मैं अमित मोहन महतो, जिला संयोजक सरायकेला खरसावां, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव सरायकेला खरसावां, हाई स्कूल बांसा में कर रहे हैं। सबको नमस्कार, मैं रमेश राव, माध्यमिक शिक्षक मेरी व्यवस्थापना अध्यक्ष लोकेश सर, सहायक निर्देशक सुधांगण सर, डिप्लोमा वीर प्रसन्न खासकारी ब्लॉक बहुत जिला मुख्यालय से बहुत दूरी पर, फिर भी हमारे 9 प्रखंड में 8 प्रखंड का कमेटी गठन हो गया है। प्रखंड कार्यकारिणी काम भी वहाँ पर महुआ गांव में भी हमारा कमेटी प्रखंड कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ, तो हम लोग प्रयासरत है कि वहाँ पर भी कर लें। थोड़ा सा दूरी है, वहाँ जाने के लिए होता है कि सेम डे मुख्यालय आकर के कोई लौट नहीं सकता, उसी कोई ट्रैफिक व्यवस्था है। सितम्बर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया कुछ जिलों में, उस स्थिति में जहाँ SSC का एग्जाम था वहाँ किसी को आगे पीछे करके, वहाँ भी अभी जैसे धनबाद में 14 तारीख को जो है कल पेंशन पर समर्थन कार्यक्रम संचालित किया गया, तो पेंशन पर समर्थन जो कार्यक्रम था इसका हमारा उद्देश्य था कि अलग अलग जो संगठन हैं जिला स्तरीय और जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं या फिर सामाजिक संगठन पर बुलाना और उनसे इस NPS के मुद्दे पर बात करना और इस मसले पर उनका क्या विचार है वे मंच पर बोले। पूरा जीवन समर्पित करते हैं, हमको पेंशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो अगर 6 महीने मिले हैं, साल भर मिले हैं, उनको किलों तक का पेंशन, ये अधेड़ नागरिक का क्या कहा जाए, तो हमको संघर्ष तो करना ही होगा, इस दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है और इस कर्मचारी या पदाधिकारी का सवाल नहीं। प्रांतीय अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने बताया कि पुलिस मेंस एसोसिएशन, स्वास्थ्य कर्मियों का संगठन झापा, अजबता, सभी शिक्षक संघ, ITI संघ, सचिवालय संघ, पशु चिकित्सक संघ, इंजीनियर संघ, रेलवे एवं जनसेवक संघ समेत करीब 2 दर्जन संघों का समर्थन प्राप्त हो चुका है। उसके लिए भी सोचिए, उसके लिए भी हम लोग कुछ करें और उसको संभवतः अगर प्रोसीडिंग में ले सकते हैं तो लें, क्या है कि उनकी स्थिति बहुत खराब है। अभी आपने देखा बहुत दिन कुछ दिनों पहले वाइस रोड वाले का भी साथ में प्रोग्राम, छोटे छोटे और भी कई संघ हैं, इसको हम लोग सभी को सफल बनाना है और इसको सफल बनाने के लिए मैं जो फील्ड में घूमता हूँ देखता हूँ, इससे एक चीज़ मैं अनुभव किया हूँ कि लोगों को अभी तक जागरूक नहीं किया गया NPS के बारे में, NPS में क्या खामियां हैं, अभी तक सभी लोग जागरूक नहीं हैं। रिटायरमेंट के बाद उनकी क्या स्थिति होगी, जब तक वो सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, उनके मन में डर नहीं होगा, तब तक वो आंदोलन में जुड़ेंगे। इसके बाद यूनियन के भी सदस्य आए हुए हैं, आइए जानते हैं उनसे कि इस आंदोलन को लेकर ITI एसोसिएशन क्या करने वाला है। एक्चुअली यह आंदोलन कर्मचारी के मांग को लेकर के है और वो ऐसा मांग जिसमें सरकार की दोहरी पॉलिसी है,
इसलिए इस आंदोलन में हमारे जितने भी ओपीएस के लोग हैं वो सहित एनपीएस को पूरा तरह से समर्थन करेंगे वो। और 29 तारीख में हमारे झारखंड के सभी शाखाओं से सभी लोग इसमें उपस्थित होंगे और तहे दिल से सरकार को इसको स्वीकार करना पड़ेगा। यह आंदोलन तब तक रहे, इस आंदोलन में तब तक सहभागिता रहेगी जब तक सरकार इसको देने के लिए मजबूर ना हो जाए। साथ सेवानिवृत्त हुए और साथ में झारखंड राज्य पेंशनर समाज के महामंत्री हैं, वे इस आंदोलन को लेकर क्या दिशा देने वाले हैं 29 तारीख को, आइए जानते हैं। झारखंड राज्य पेंशनर समाज साथ ही साथ अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ की ओर से हम आपके आंदोलन का पूर्व से ही मानसिक तौर से शारीरिक तौर से समर्थन करते आए हैं, आगे भी हर कदम पर हमारा साथ रहेगा। इसलिए कि एमएलए एमपी को कोई ईएल नहीं होता है, जबकि तमाम कर्मचारियों को चाहे वो वर्दीधारी हों या बिना वर्दीधारी हों, तमाम को 11 दिन में एक दिन, 14 दिन में एक दिन ईएल जमा होता है। अगर उस ईएल के अनुसार भी उसे पेंशन दिया जाता है, कोई खैरात नहीं। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1982 में डीएस नकारा के मैटर पर कि कर्मचारियों को पेंशन देना कोई खैरात नहीं है, कोई आमदान नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों का कमाया हुआ वेतन है। इसलिए हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं यथाशीघ्र न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म कर उसी तारीख से जिस तारीख से ख़त्म किया है उसी तारीख से ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू रखा जाए। महेश कुमार सिंह, झारखंड राज्य पेंशनर समाज के कार्यकारी महासचिव, अखिल भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय सचिव। आज जो हमारी बैठक हमने उम्मीद किया था उससे कहीं ज्यादा आज सफल रहा। आज लगभग 20 से ज्यादा संगठन के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वे आज एक बैठक में हमारे साथ देने के लिए, एनपीएस कर्मचारियों का साथ देने के लिए, और 29 तारीख का जो हमारा पेंशन पर संघर्ष रैली है उस रैली में प्रतिभाग करने के लिए आज जो है यहाँ उपस्थित हुए। और सभी संगठन के जो प्रतिनिधि जो हैं, सभी संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने खुले मन से कहा कि इस आंदोलन में तन, मन और धन हर तरह से हम आपके साथ हैं। और 29 को पेंशन संघर्ष रैली में, पेंशन पर संघर्ष रैली में आप देखेंगे कि झारखंड के केवल 1.5 लाख एनपीएस कर्मचारी ही नहीं, उनके साथ साथ राज्य के सभी जो हमारे पुराने पेंशन में हैं वो कर्मचारी, और जो हमारे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं पेंशनर जो हैं वे भी, और उनके साथ में जो अधिकारी हैं। सोचने वाली बात है, आज की बैठक में अधिकारी का भी जो संगठन है उनके भी रिप्रेजेंटेटिव आए, तो पुलिस मेंस एसोसिएशन से लेकर के पेंशनर समाज से लेकर के डॉक्टर का जो एसोसिएशन है वे सब आज इस बैठक में आए। और सब ने आने वाले जो दिनों में जो हमारा पेंशन पर संघर्ष रैली है उसे सफल बनाने के लिए हर तरह से सहयोग, समर्थन और उसमें भाग लेने की बात कही। कोई भी जब संघर्ष रैली होता है उसमें जोश के लिए तो इसमें एनपीएस कर्मचारी हैं ही, सारे के सारे नए युवा वर्ग हैं, जोशीले हैं, सरकार के काम जिस ताकत के साथ वे करते हैं इस आंदोलन में भी उससे कहीं ज़्यादा वो मेहनत से लगे हुए हैं। जोश है, कोष की कोई कमी नहीं है, लाखों की संख्या में हमारे कर्मचारियों की संख्या है, खुले हृदय से वे समर्थन देते हैं और सहयोग करते हैं। और होश के बारे में उनके लिए हमारे जो हमारे वरिष्ठ अभिभावक हैं ये हमारे साथ हैं, जो हमेशा समय समय पे हमें निर्देशित करते हैं कि आपकी आंदोलन की दिशा कैसी है और उसे और क्या करना चाहिए। आगामी विधान एनपीएस एक झारखंड विधानसभा का चुनाव में एक मुद्दा बन पाएगा, सरकार पे आप दबाव बना पाएंगे, आपका क्या प्रयास है? देखिए, एनपीएस चुनाव में मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा यह तो राजनीतिक दल ही बता पाएंगे, लेकिन यह हमारे लिए मुद्दा है, हमारे परिवार के लिए मुद्दा है, हमारे रिश्तेदारों के लिए भी मुद्दा है,
इवन हमारे सगे संबंधी और जितने दोस्त हैं जो हमसे काम लेते हैं, जो हमसे सहयोग लेते हैं, हमसे सहयोग लेने वाले हर सहयोग व्यक्ति जो है उनको हम तभी सहयोग करेंगे जब वो पेंशन में हमारा साथ है। चुनाव हमारे सभी साथियों के लिए मुद्दा है, हमारे रिश्तेदारों के लिए भी मुद्दा है और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर इसका प्रभाव दिखेगा। इस रैली में संख्या बल कितने के? इस रैली में संभवतः 1.5 लाख से अधिक संख्या में रांची में लोग कूच करेंगे। उम्मीद है कि मोरहाबादी मैदान जो है छोटा पड़ जाएगा।